आज हमारी एक तरह से ये शिखर बैठक है, यानी सभी मोर्चा अध्यक्ष हैं, इसमें सभी प्रकोष्ठों के संयोजक हैं, सभी विभागों के प्रमुख हैं। ये मिशन 2024 की तैयारी की दृष्टि से इन सबको एक तरह से काम सौंपे जाने हैं। आने वाले एक साल का रोडमैप सभी मोर्चों का, सभी प्रकोष्ठों का, सभी विभागों का क्या होगा और किस प्रकार से पार्टी को ने मिशन 2024 को सिरे चढ़ाने के लिए इनकी भूमिका होगी, इस पर आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश के सभी महामंत्री, संगठन मंत्री और मैं स्वयं हूँ और सभी के हेड हैं एक तरह से। तो ये केवल हेड्स की बैठक है, इसलिए मैंने कहा एक तरह से शिखर बैठक है। और आज सभी मोर्चों से उनका रोडमैप पूछेंगे, सभी प्रकोष्ठों से पूछेंगे, सभी विभागों से पूछेंगे कि आगामी दोनों चुनाव तक वो किस प्रकार से पार्टी की गतिविधियों को अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ किसी न किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के होते हैं। जैसे एससी मोर्चा एससी वर्ग में काम करता है, महिला मोर्चा महिला वर्ग में काम करता है, किसान मोर्चा किसान वर्ग में काम करता है, तो ऐसे प्रकोष्ठ भी व्यापारी प्रकोष्ठ व्यापारियों में काम करता है, उद्योग प्रकोष्ठ उद्योगपतियों में काम करता है। तो इनके अपने अपने एक एरिया है, अपना अपना एक सेक्टर है जिसमें काम करते हैं, तो उस सेक्टर में पार्टी की गतिविधियों को किस प्रकार से लेके जाएंगे और किस प्रकार से उस सेक्टर का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मिलेगा, उनकी कोई कठिनाइयां हैं, उस सेक्टर के कोई बिंदु हैं, तो वो भी पार्टी तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का दायित्व तो हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ निभाते हैं। सर बात करें तो अपनी राजनीति हरियाणा की काफ़ी बड़ी रैली की, वो हर साल रैली करते हैं और ये बात उन्होंने कोई पहली बार नहीं कही है, पहले भी कही है, लेकिन बड़ी बात ये कही है कि यही कहा है उन्होंने, पहले भी कहा था जब उनके यहाँ हम गए थे तब भी कहा था, पिछली बार भी उन्होंने रैली की थी, वो हर बार एक रैली अपनी करते हैं और उस नाते से उनके क्षेत्र की कठिनाई है, उनकी सीट की कठिनाई है उस नाते से, तो ये बात उन्होंने पहले भी कही, मैं और विप्लव देव जी थे जब उनके यहाँ उचाणा में कार्यक्रम था तब भी कहा था। एक ईडी के जो तो रेड पर लीकर संजय सर जो है आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आते हैं नज़दीक तो ईडी का इस्तेमाल करते हैं, और केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन से डर गई है भाजपा, इसीलिए जो है ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए अगर कुछ गलत किया है तो कार्रवाई तो होगी ही होगी। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, केजरीवाल जी के तक ये पहुँच आई है कि बयानों से इस बात का निदान नहीं हो सकता है, इस बात का निदान कानूनी कार्रवाइयों से होता है, कानूनी तरीकों से होता है, न्यायालय में होता है। उनके पहले जो आदमी बंद हैं अगर वो दोषी नहीं होते तो अब तक बाहर होते, सिंपल सी बात है। कुछ बातों की लड़ाई जो है वो न्यायालयों में तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होती है कि आपके पास क्या तथ्य हैं, जिन्होंने आपके कार्रवाई की है उनके पास क्या तथ्य हैं, इसलिए अगर दोषी हैं तो केवल बयानों से वो नहीं बचा सकते। आप पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान हमेशा देते हैं, लेकिन बयान तभी तक कामयाब माना जाता है जब बयान सत्य पर आधारित हो, झूठे बयानों का प्रभाव नहीं होता। अगर इनके लोग साफ पाक और ईमानदार होते तो अभी तक वो बाहर होते, देश की न्यायपालिका बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करती है। कह रहे कि चार मुख्यमंत्री भी निशाने पे हैं। देखिए अगर कोई भी गलत है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई भी गलत है, अगर गलत है तो निश्चित रूप से ये एक होना ही चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना देश की शुचिता के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई ईडी की है सिर्फ विपक्ष के नेता पर क्यों? देखिए ये हमेशा ही ये सवाल उठते हैं, लेकिन आप शायद आप देखते होंगे और आप देख भी रहे होंगे, आपका कैमरा पूरे व्याप के साथ दिखाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार शुचिता के लिए कटिबद्ध है। लेकिन पत्रकारों पे जिस तरह से, भैया बताया ना मैंने, सरकार शुचिता के लिए कटिबद्ध है ये आपको दिखाई देगा, सरकार ईमानदारी के लिए कटिबद्ध है ये आपको दिखाई देगा। अच्छा अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं अशोक गहलोत के गढ़ में, तो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि भाजपा की दाल गलने वाली है। देखिए अशोक गहलोत को और क्या कहना चाहिए, अपनी कुछ मैं राजस्थान का दौरा करके आया हूँ और इस बार उनकी दाल चढ़ेगी नहीं, गलने की बात तो अलग है।
पूरी का पूरा राजस्थान जो है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के शासन से, वहाँ की कानून व्यवस्था से, वहाँ की लूट खसोट से, वहाँ के जिस प्रकार के काम उनके विधायकों के उनके हैं, आपने देखा उनके ही विधायकों ने उन पर सवाल उठाए हैं, तो बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े हुए हैं। कोई वातावरण कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस का राजा है और जिस तरह से वो पूरा वित्त मंत्री हैं, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में भी कह रहे थे। नंबर वन हरियाणा, हम भी गीत सुन सुन के हम सब के उस समय आप समझ सकते हो, और 2019 में भी कह रहे थे। अब वो ये बात भी नहीं कहें तो क्या कहें बताइए। कांग्रेस पार्टी अपना ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना पा रही है, कितने सालों से टाले टाले जा रही है। तीसरा अध्यक्ष तो मेरे सामने आ गया है, तो इसलिए भैया वो विपक्ष अपनी बात तो कहने का हकदार है ही, अब इसलिए उनकी उनकी बात को आप कितना सीरियसली लेते हैं वो आप पर है। अपनी बात तो हर किसी दल को कहनी ही होती। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि SYL का पानी वो हरियाणा को मिलना चाहिए, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से कहा कि भैया जो हमारी पानी है भाखड़ा डैम से, वो BML भाखड़ा मेन लाइन उसको कैनाल कहते हैं, उससे आता है। हमारा पीने का पानी और दिल्ली का पीने का पानी, हमारा 2000 क्यूसिस है यानी 2000 घन फीट प्रति सेकंड है, और दिल्ली का 1050 क्यूसिस यानी 1050 क्यूसिस प्रति सेकंड। ये नरवाना ब्रांच से मुणक आता है और मुणक से CLC से दिल्ली पहुंचता है, और ये वेस्ट जमुना नहर और बाकी नहरों से हमारे यहाँ पहुंचता है।